बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज कश्मीरी फूड लाइफ में हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं काले चने। ये रेसिपी बनाना बहुत आसान है और बहुत मज़े की बनती है। तो चलते हैं हम काले चने के रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। व्यूअर्स, सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलते हैं आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले हम लोग इसमें शामिल करेंगे काले चने 3 कप। इनको आपने रात को भिगो देना है सादे पानी के अंदर। और इसके अंदर हम शामिल करेंगे प्याज 1 अदद बड़े साइज का। इसमें हम टमाटर शामिल करेंगे 2 दरमियाने साइज के, इसको भी चॉप किया हुआ है। उसके अलावा हम इसके अंदर लहसुन शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच। इसके अंदर हम नमक शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चाय का चम्मच शामिल करेंगे इसमें। इसमें हम शामिल करेंगे मीठा सोडा शामिल करेंगे 1/2 चाय का चम्मच। अब हम चलते हैं कि इस रेसिपी के प्रिपरेशन की तरफ। सबसे पहले हम लोगों ने प्रेशर कुकर के अंदर ये काले चने डाले, इनको रात को भिगो लिया था और उसी पानी के साथ जो हम लोग इसको कुकर में शामिल किया। और उसके बाद हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। उसके बाद हम इसमें टमाटर डाल रहे हैं और हम इसके अंदर नमक मिर्च और हल्दी शामिल करेंगे। लहसुन पेस्ट भी शामिल कर देंगे और मीठा सोडा हम शामिल करेंगे इस मौके पर। और अब हम इसको मिक्स करेंगे और चूल्हा चला देंगे। चम्मच इस सूरत में मैं इसके अंदर हला रही हूँ क्योंकि इसको प्रेशर लगाना है। अगर तो किसी दाल को, चने वगैरह को आपने बगैर कुकर के पकाना है तो उसको ये चम्मच बिल्कुल कोई भी किसी भी किस्म का नहीं लगाना। अच्छा, हम लोगों ने मीठा सोडा शामिल किया हुआ था तो इस वजह से इसको चम्मच हला इसको थोड़ा सा पकाया है ताकि ऊपर से इस तरह से जो झाग नज़र आ रही है ये बन के ख़त्म हो जाती है। अगर इस झाग बनने से पहले ही आप इसको प्रेशर लगा देंगे ना तो फिर वो फटने का डर होता है कुकर के। अब इसको हमने चने को प्रेशर लगाना है 8 से 10 मिनट का। हम लोगों ने झाग पहले निकाल ली थी। 8 से 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारा पानी भी खुश्क हो गया, जो मसाला मटेरियल वगैरह था वो भी गल चुका है अंदर से, प्याज टमाटर वगैरह। अब इसके अंदर हम चम्मच में रख के दूसरे चम्मच से चेक करें हमारा आलू जो काले चने हैं वो गल चुके हैं। तो और अगर आपको कुछ ज़रूरत पड़ी आप थोड़ा लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पक चुके हैं। इसके बाद हम इसको इसी तरह से थोड़ा भून रहे हैं और भूनने के बाद हमने इसमें ऑयल शामिल किया, इसको थोड़ा सा हिलाया ताकि जो हमारे मसाले मतलब प्याज टमाटर वगैरह गल चुके हुए थे ज़रा थोड़ा 1-2-4 बार चम्मच हिलाने से वो घुल जाए। ठीक है, ऑयल भी इसमें थोड़ा डाल दिया। अब हमने चूल्हा बंद कर दिया और हमारे काले चने तैयार हैं। अगर आप थोड़ा शोरबा ज़्यादा रखना चाह रहे हैं आप इसके अंदर पानी की मिकदार को ज़्यादा कर सकते हैं। और ये हमारे काले चने तैयार हैं। कैसी लगी आपको रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अपना और अपने ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।